दोस्तों यदि आपको लगता है कि यह मैच भारत जीत जाएगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 एकदिवसीय मैचों की सीरीज के पहले मैच में भारत ने 50 ओवर में 280/8 रन बनाए हैं। भारत के लिए कप्तान विराट कोहली ने सर्वाधिक 121 रनों की पारी खेली। कीवी गेंदबाजों की ओर से ट्रेंट बोल्ट सबसे सफल रहे, उन्होंने 10 ओवर में 35 रन देकर 4 विकेट चटकाए। टॉस जीतकर भारतीय कप्तान विराट कोहली ने बल्लेबाजी करने का फैसला किया, लेकिन उनका यह फैसला सही साबित नहीं हुआ। शिखर धवन को 9 रन के निजी स्कोर पर टॉम लैथम ने ट्रेंट बोल्ट के हाथों कैच कराया। इसके बाद रोहित शर्मा 18 गेंदों पर 20 रन बनाकर ट्रेंट बोल्ट की गेंद पर बोल्ड हुए। कुछ देर बाद केदार जाधव ने 12 रन बनाकर मिचेल सेंटनर को उनकी गेंद पर कैच थमा दिया। 71 रन पर 3 विकेट गंवाने के बाद दिनेश कार्तिक ने विराट कोहली के साथ मिलकर मोर्चा संभाला। दोनों ने मिलकर चौथे विकेट के लिए 73 रन जोड़े। कार्तिक को 37 रन के निजी स्कोर पर सऊदी की गेंद पर कॉलिन मुनरो ने लपका। इसके बाद एमएस धोनी 25 और कोहली ने 5वें विकेट के लिए 57 रन जोड़कर 41वें ओवर में स्कोर 200 के पार पहुंचा दिया। धोनी को ट्रेंट बोल्ट ने मार्टिन गप्टिल के हाथों कैच कराया। इस दौरान विराट कोहली लगातार क्रीज पर टिके रहे और अपना 31वां वनडे शतक जड़कर इस प्रारूप में ऐसा करने वाले दूसरे खिलाड़ी बन गए। उन्होंने रिकी पोंटिंग के 30 शतकों को पीछे छोड़ दिया। अपने 200वें वनडे में उन्होंने शतक जड़कर इतिहास रच दिया। इससे पहले एबी डिविलियर्स ने ऐसा किया था। हार्दिक पांड्या 16 रन बनाकर ट्रेंट बोल्ट की गेंद पर विलियमसन के हाथों लपके गए। कोहली अंतिम ओवर में 115 रन बनाकर सऊदी की गेंद पर बोल्ट द्वारा लपके गए। भुवनेश्वर कुमार ने नाबाद 26/14 बॉल रन बनाए और अंतिम गेंद पर आउट हुए। इस तरह भारत ने 50 ओवर में 280 रनों का स्कोर बनाया।